चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी से बुढ़ापा पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दी गई है। इसके साथ हर साल बुढ़ापा पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ सीएम ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि करप्शन को लेकर विभिन्न विभागों में अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 16 मई के बाद पूर्व सरकार की ओर से किए गए 115 फैसलों की समीक्षा होगी। इसके लिए सभी विभागों से रिपोर्ट ली जाएगी। जो रिव्यू करने की बात हमने उस समय की थी, कुल मिलाकर ऐसे 23 विभागों के 115 फैसले थे। इसके बारे में सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर उन फैसलों पर विभाग के अनुसार रिव्यू करके और अपनी रिपोर्ट देंगे, ताकि उससे अगली बैठक में उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम निश्चित फैसला ले सकें। जनवरी माह से जो फरवरी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसको बढ़ाकर 1,200 रुपये किया गया है, और नववर्ष की एक प्रकार से ये उनको तोहफा होगा, और ये तोहफा लगातार 5 वर्ष तक उनको मिलता रहेगा। हर वर्ष 200-200 रुपये बढ़ाएंगे। सभी विभागों को ये बताया गया है कि वहाँ करप्शन के चांसेस कहाँ कहाँ हैं, उस सारे के ऊपर अध्ययन चल रहा है, और निश्चित रूप से जो कोई विधिवत रिपोर्ट हमको मिलती है उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन किया जाएगा। जैसे विशेष तौर पर अभी हमको हथनीकुंड था ना, हथनीकुंड बैराज के विजिलेंस विभाग की ओर से हमको अनियमितता के जो समाचार मिले, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको सस्पेंड किया।